सुप्रीम कोर्ट ने पीएमडीसी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में बेजाबतियों पर अज खुद नोटिस ले लिया। एक माह में दोनों इदारों के फ्रांसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया गया। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद इशफाक जी। इशफाक आगाह कीजिएगा। इशफाक से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे, भी आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं इस अहम मामले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमडीसी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में बेजाबतियों पर अज खुद नोटिस ले लिया। एक माह में दोनों इदारों के फ्रांसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया गया। इशफाक आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीएमडीसी और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में बेजाबतियों का नोटिस लेते हुए एक माह में दोनों इदारों के फ्रांसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का 10 साला फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पता लगना चाहिए कि आसिम हुसैन ने बतौर पीएमडीसी में वो क्या करते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने मुख्तलिफ शिकायात पर पीएमडीसी और ड्रग के खिलाफ अस्खुद नोटिस लिया और दोनों इदारों को एक माह में फोरेंसिक ऑडिट करके इनकी रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने फर्गोसन फर्म से फोरेंसिक ऑडिट के लिए दोनों इदारों को अपने अपने हिस्से की फीस अदा करने के भी अहकाम जारी कर दिए। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।